रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने सीएमएस कर्मी से हुई लूट की घटना की रेकी करने वाले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है तथा इसके पास से लूट का 10,000 रुपए बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रुस्तमपुर नहर रोड के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू पुत्र बंगाली प्रसाद निवासी सिंदुली बेंदुली थाना रामगढ़ ताल के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का 10,000 रुपए बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि सोनू जो कि मंत्रा कंपनी के कार्यालय में काम करता है तथा उसने ही साजिश करके या लूट की घटना कराई थी, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी अभिनव मिश्रा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र जैन, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, लोग जा रहे हैं डेल्टा वेव तो ज्यादा हो दिनांक 16/8/2021 को लगभग 11:30 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी रामगढ़ताल थाना क्षेत्र। उसी क्रम में हम लोग लगे हुए थे, सीसीटीवी वगैरह हमने खंगाले और बाकी सब कर रहे थे, तो कुछ लोगों के बारे में हमें पता चला। आज सुबह एक मुखबिर की सूचना पे हमें ये पता चला कि जो हमारा एक सस्पेक्ट है उसमें से वो इंदिरा नगर कॉलोनी से पैडलेगंज की तरफ आ रहा है। इस सूचना पे रामगढ़ताल की पुलिस ने अपराध शाखा की टीम को ही बुला लिया और ये लोग वहाँ पे उसका इंतज़ार करने लगे। पुलिस को देखने पे ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया और जवाबी जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा जो है वहाँ से फरार हो गया। उसके लिए तलाश की गई कॉम्बी की गई। जो व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम है सिकंदर पुत्र छोटे लाल, निवासी कजाकपुर रामपुर थाना रामगढ़ताल। इसको गिरफ्तार किया गया, इसके पास से लूट के 1,48,000 रुपये बरामद किए गए और इसके अतिरिक्त इसके पास से एक देसी चमत्ता 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, लूट के 1,48,000 रुपये और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया और इसको भी हॉस्पिटल में लेके जाया गया है, आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसी क्रम में एक और व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है मंत्रा कंपनी में काम करता था, तो वही उसी ने सूचना दी थी कि ये कलेक्ट करता है, कैश कलेक्ट करता है कंपनी से और बैंक में जमा करता है। उसी की सूचना पे और उसको हिस्सा भी दिया गया है, तो उसी के पे तीन लोगों ने मिलके, और भी लोग थे तो वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये जो सूचना देने वाला व्यक्ति था इसको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया, नगर नहर रोड से 10:30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। इसका नाम है सोनू पुत्र बंगाली प्रसाद, निवासी सेंदुली बेंदुली थाना रामगढ़ताल। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष, ये उसी कंपनी में काम करता था, इसी ने सूचना दी थी कि ये व्यक्ति कैश कलेक्ट करता है और इसको हिस्सेदारी भी दी गई है उसको। सर क्या आपराधिक इतिहास? इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये उनकी पहली घटना। सोनू तो ये कार्य करता है वहीं मित्रा कंपनी में और उसने वहीं पे कार्य करते करते ये देखा कि ये व्यक्ति हमेशा कैश कलेक्ट करता है, तो उन्होंने बाकी से संपर्क करके पूरी योजना बनाई। और ड्राइवर दूसरा जो ये आज गिरफ्तार किया हमें सिकंदर, ये ड्राइवर का कार्य करता। घटना के समय जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया है उसमें तीन लोग गाड़ी में बैठे मोटरसाइकिल के ऊपर, नहीं इनका कोई आपराधिक इतिहास, इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी जो दो हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है।